नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और इसी में हम जानेंगे यूएन चार्टर के उन प्रोविजंस के बारे में जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और डेवलप करने की बात करते हैं, और फिर हम बात करेंगे इको सॉक की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस को शुरू करने से पहले हमें ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस को समझना होगा। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ह्यूमन राइट्स वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम्स होती हैं जो एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति से बिलोंग करती है। वहीं अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करती है और जो फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करती है अमोंग दी नेशंस। तो दोस्तों, इसी में हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन की। तो दोस्तों, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और पूरा देश वर्ल्ड वॉर की चपेट में था, पूरी मार झेल रहा था, तो उसी साल 51 देशों ने इकट्ठे होकर सैन फ्रांसिस्को में एक डॉक्यूमेंट साइन किया, और जिस डॉक्यूमेंट को उन्होंने साइन किया उसको हम यूनाइटेड नेशन चार्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि यूएन चार्टर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं यूएन चार्टर के उन प्रोविजन की जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्रोविजन हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं यूएन चार्टर के जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की बात करते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स उठाए हैं। शुरू करते हैं यूएन चार्टर के प्रीएम्बल से, जो कि शुरू होता है वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए यूएन चार्टर बनाया गया था इंटरनेशनल पीस के लिए, इसके स्टार्टिंग के वो वर्ड्स डिफाइन करते हैं कि इसने उस काम को फुलफिल किया है, यानी कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वहीं अगर इसे हम आगे पढ़ते हैं, फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन इन द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि अगर इसे हम पढ़ते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर इक्वलिटी की बात करता है, ह्यूमन राइट की बात करता है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट की बात करता है, और इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, जो बताता है यूएन चार्टर के पर्पज़ के बारे में। तो इसका पर्पज़ क्या था, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर्स एंड इन प्रोमोटिंग एंड इनकरेजिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। इसका मतलब आर्टिकल 1 ही इसको बताया जाता है कि इसका मेन पर्पज़ क्या था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना था, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, और ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम्स को डेवलप करना था, प्रमोट करना था सभी ह्यूमंस के लिए, बिना रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन में भेदभाव किए बिना। तो दोस्तों, अब चलते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। हमने आर्टिकल 1 में बात करी उसके पर्पज़ के बारे में, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ फील्ड को प्रमोट करने की बात करता है आर्टिकल 13। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 बात करता है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट करना चाहिए, बिना रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के भेदभाव के। अब शुरू करते हैं आर्टिकल 55। फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स द यूनाइटेड नेशंस शैल प्रमोट सॉल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। यानी कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ और ह्यूमन राइट, पीपल की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन को प्रमोट करेगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, यानी कि आर्टिकल 68। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए ये उनकी नज़र से, तो आर्टिकल 68 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की या फिर कोवेनेंट्स की, तो उनका जो बेस है उसे हम आर्टिकल 68 कह सकते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। आर्टिकल 68, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक
shall set up a commission in economic and social fields and for the promotion of human rights and such other commissions as may be required for the performance of its functions. यानी कि आर्टिकल 68 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक को पावर देता है कि वो चाहे तो सब ऑर्गन्स या कोई कमीशन अडॉप्ट कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। यानी कि इस आर्टिकल में इकोसोक को पावर दी गई है किसी भी सब ऑर्गन को इस्टेब्लिश करने की। अब हमारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोसोक कहते किसे हैं या वो है क्या। तो आइए हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की यानी कि इकोसोक की। तो इकोसोक इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल पार्ट है। और जैसे कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में बताया, ऊपर वाले आर्टिकल में बताया कि उसमें इकोसोक को पावर दी गई किसी भी सब ऑर्गन को अडॉप्ट करने की, इस्टेब्लिश करने की। तो उसी के हिसाब से उसने एक कमीशन को अपॉइंट किया ह्यूमन राइट से कंसर्निंग, जिसको जनरल असेंबली ने अप्रूव किया। और वो कब हुआ था? 12 फरवरी 1946 में। और उस कमीशन को हम यूनाइटेड नेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन कमीशन का गठन या अपॉइंटमेंट कैसे हुई, तो उसकी अपॉइंटमेंट इकोसोक के द्वारा हुई, जिसको जनरल असेंबली ने अप्रूव किया था 12 फरवरी 1946 में। और जब यूनाइटेड नेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई या उसे अपॉइंट किया गया, तब उसके टोटल 18 मेंबर्स थे। यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन को 18 मेंबर के साथ में स्टार्ट किया गया। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशंस। द कमीशन वाज एम्पावर्ड टू कैरी आउट स्टडीज, मेक रिकमेंडेशन एंड ड्राफ्ट न्यू इंटरनेशनल ट्रीटीज। यानी कि इकोसोक ने इसे एम्पावर किया कि ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर सकती है, कोई भी ड्राफ्ट तैयार कर सकती है या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज कर सकती है। और इसी के हिसाब से यूनाइटेड नेशन कमीशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया जनवरी 1947 से। और यूनाइटेड नेशन कमीशन ने अपने अंडर एक सब कमीशन को इस्टेब्लिश किया यानी कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी कमीशन ने एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूएन के जितने भी मेंबर्स थे उन तक खबर पहुंचाई कि हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक इंटरनेशनल बिल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप सभी मेंबर्स ह्यूमन राइट्स से कंसर्निंग जो भी बात उस ड्राफ्ट में चाहते हैं वो चीज़ें हमें ड्राफ्ट करके भेज दीजिए। और जब उस ड्राफ्ट को तैयार किया गया, मॉडिफाई किया गया, तो उस ड्राफ्ट को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR के नाम से अडॉप्ट किया गया, जिसको जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया। यानी कि दोस्तों आर्टिकल 68 में इकोसोक को पावर मिली, उसने कमीशन को अपॉइंट किया, कमीशन ने सब कमीशन अपॉइंट किया और ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के नाम से जानते हैं, यानी कि UDHR के नाम से जानते हैं। तो ये थी शुरुआत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहते किसे हैं, उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स हैं, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किन राइट्स की बात करता है, और उसका जो इफेक्ट है यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का जो इफेक्ट है वो बाइंडिंग है, इन्फोर्सिबल है या नहीं, इसको हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे UDHR के बारे में। तब तक हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।